तो भाई लोग स्वागत है आप सभी लोगों का मर्द का बच्चा सीरीज के एक और मजेदार वीडियो में। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस मर्द का बच्चा सीरीज के पहले की वीडियोस नहीं देखी है ना, तो मैं आप सभी को उन सभी वीडियोस की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में दे दूंगा, जहां पर जाकर आप सभी उन सभी वीडियोज को भी चेकआउट कर लेना, ताकि आप सभी को इस मर्द का बच्चा सीरीज के बारे में ना सब कुछ पता चल सके और इस मर्द का बच्चा सीरीज में आप सभी का क्या योगदान होने वाला है उसके बारे में पता चल सके भाई। तो आप सभी ना उस मर्द का बच्चा सीरीज की पहले की वीडियोज डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हो ना, कोडी रोड्स ने एक बार फिर से अपनी पुरानी टीम को अपने साथ रिटेन किया है, जिसमें कि ड्रू मैकेंटायर और साइक्लोमैन जैसे सुपरस्टार हैं। वहीं दोस्तों अपने ट्राइबल चीफ ने अपनी टीम में जॉन सीना को तो एज इट इज रखा है, लेकिन आज इंडियन सुपरस्टार खली को ट्राइबल चीफ ने अपनी टीम में मौका दिया है। भाई देखो, मेरी टीम के आज जीतने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जब तक साइक्लोमैन टीम कोडी रोड्स में रहेगा ना, तो कोडी रोड्स की टीम को हराना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है भाई। और दोस्तों स्कोर कार्ड की अगर बात करूं ना, कोडी रोड्स की टीम 11 मैच जीत चुकी है और मेरी टीम यानी कि ट्राइबल चीफ की जो टीम है ना, वो 9 मैच जीत चुकी है भाई। यानी कि एक तरफ एक टीम के पॉइंट 11 हैं, तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ दूसरी टीम के पॉइंट 9 हैं भाई, ठीक है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना ये मैच और देखते हैं फिर आज के इस मैच में ना कौन सी टीम जीतेगी, ठीक है। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है भाई, आज के इस मैच को ना इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम जीत सकती है? देखो मेरी टीम के जीतने के चांसेस मात्र 30% है भाई, अगर सीना जल्दी एलिमिनेट नहीं होते हैं तो। देखो पहला फिनिशर सीना ने खा लिया है ना, बहुत अच्छा भाई। सीना का काम तो मात्र फिनिशर खाना ही, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कम से कम ड्रू मैकेंटायर को अपने दो फिनिशर में से एक फिनिशर भी अगर सीना लगा जाते हैं ना, तो ट्राइबल चीफ की टीम के लिए थोड़ा बहुत काम आसान हो जाएगा भाई। बहुत अच्छा भाई, सीना चलो मार तो रहे हैं कम से कम। वैसे दोस्तों आप लोगों को एक चीज और बता दूं भाई, मैंने जॉन सीना का एक ऐसा मॉड बनाया है ना कि वो वाले सीना अगर आप लोग देखोगे, आप लोग एकदम खुश हो जाओगे भाई। जितने भी सीना के फैन अभी मेरी वीडियो को देख रहे हो ना, तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि मैंने सीना का एक ऐसा मॉड बनाया है, अगर वो मॉड आप लोग देख लोगे ना, तो आप लोग एकदम खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो मॉड ना सिर्फ दिखने में तो चलो थोड़ा बहुत उतना जबरदस्त नहीं है, लेकिन जो वो परफॉर्मेंस देता है ना वो मैच में बहुत ही जबरदस्त भाई। और उस सीना को अगर आप लोगों ने देखना है तो मेरी कल वाली वीडियो जिसमें कि मैंने टीम ब्रो को एक बार फिर से WWE की रिंग में कमबैक कराया है ना, वहां आप वाले सीना का परफॉर्मेंस देख सकते हो भाई, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि वाली जो वीडियो है ना उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप चैनल पर जाके खुद ही देख लेना भाई, क्योंकि कल ही तो मैंने उस वीडियो को अपलोड किया है संडे के दिन, और बहुत ही जबरदस्त भाई वाले सीना, बहुत ही जबरदस्त है भाई। जिसने भी वाला सीना देखा ना, उसने मुझसे यही कहा कि बहुत ही जबरदस्त सीना बनाया है भाई। और वाले सीना का मैं आप लोगों को नाम भी बता देता हूँ, वन आई सीना है भाई, यानी कि उनकी एक आंख में ना चश्मा लगा हुआ है और एक आंख पूरी तरीके से खुली हुई है भाई। जैसे समुद्री लुटेरे होते हैं ना, एक आंख खोले रहते हैं और एक आंख बंद करे रहते हैं, वैसे ही वाले सीना है भाई। तो आप लोग वाले सीना को जरूर चेकआउट कर लेना और मुझे ये जरूर बता देना कि आप लोगों को वाले सीना की परफॉर्मेंस कैसी लगी भाई, ठीक है। फिलहाल ड्रू मैकेंटायर ट्राइबल चीफ को तोड़ रहे हैं भाई। देखो मैंने ओटीसी रोमन को ना इन नॉर्मल मैचों में लेना छोड़ दिया है भाई, क्योंकि देखो ओटीसी रोमन को अगर मैं नॉर्मल मैचों में लेता हूँ, लगा दिया फिनिशर और एलिमिनेशन कर दिया भाई, बहुत अच्छा। खली सर बहुत सुपर किक, बाप रे बाप, खली सर सुपर किक भी मारते हैं क्या? चलो एक सुपर किक लगा, लेकिन नहीं, मैकेंटायर ने बचा लिया भाई। लेकिन अपने ट्राइबल चीफ का एलिमिनेशन तो बहुत जल्दी हो गया भाई, कहाँ मैंने सोचा था कि पहला एलिमिनेशन सीना का होगा। अरे फिनिशर लगा दिया, कोडी रोड्स गए, कोडी रोड्स भी जा सकते थे, लेकिन नहीं भाई। अच्छा नॉर्मल वाले रोमन को हराना बहुत आसान है भाई, लेकिन ओटीसी वाले रोमन को हराना ना अच्छे अच्छे सुपरस्टार की बस की बात नहीं है भाई। लेकिन वो वाले ओटीसी वाले रोमन को ना मैं बहुत कम ही वीडियोस में लाऊंगा, जो मैं नॉर्मल मैच ऐसे मर्द का बच्चा सीरीज टाइप के मैच करूंगा ना, उन मैचों में अपने नॉर्मल रोमन आएंगे, ठीक है। ओटीसी रोमन का कमबैक तभी होगा जब क्या कहते हैं कि किसी जबरदस्त वाले मैचेस होंगे भाई, जैसे कि मॉड वाले मैचेस होंगे ना, तब जाके हम लोग ओटीसी वाले रोमन का उपयोग करेंगे भाई, ये तो हम नॉर्मल तरीके के रोमन का उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्लोज लाइन, बहुत अच्छा भाई। खली सर भी आज चाहे तो मैच जीता सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, साइक्लोमैन के रहते ऐसा करना बहुत टफ है। सीना फिनिशर है आपके पास, तो कोडी रोड्स को फिनिशर लगा सकते हो भाई, क्योंकि आपकी टीम का एक टीम कैप्टन एलिमिनेट कर दिया है कोडी रोड्स ने, तो उसने फिनिशर बहुत अच्छा लगा दिया फिनिशर। अरे यार ये सीना के एटीट्यूड एडजस्टमेंट में जो रिवर्सल है ना, यहीं पर बेचारे सीना मार खा जाते हैं, हमेशा हमेशा यहीं पर मार खाते हैं सीना। वैसे सीना में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, टूके ने जो सीना के फिनिशर में डबल रिवर्सल देके रखा है ना, उसी चक्कर में सीना हमेशा कमजोर सुपरस्टार साबित होते हैं WWE 2K24 में भाई। और देखो भाई सीना जहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, सीना क्या कर रहे हैं भाई, अदर सुपरस्टार को क्यों मार रहे हैं, जबकि कोडी रोड्स लीगल सुपरस्टार है, कोडी मारेगा सुसाइड डाइव किया, नहीं 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 यार, अरे कोडी क्या गलती कर रहे हो भाई, अगर सुसाइड डाइव मार दी तो सीना को देखो ना कि सीना कहाँ पर है करके। लो भाई सीना ऐसे भी मार खा रहे हैं नीचे,
दोनों ही सुपरस्टार कोडी रोड्स और सीना। रेफरी के भी काउंट सुनना, क्योंकि राधे भैया काउंट करने से पहले भाई बहुत जल्दी जल्दी काउंट करते हैं भाई। बहुत अच्छा सीना फिनिशर है आपके पास, तो कोडी रोड्स को नीचे भी फिनिशर लगा सकते हो, तिगड़े धंधा नीचे कर सकते हो कोडी रोड्स का। अच्छा राधे भैया ने पिन काउंट को 6 तक पहुंचा दिया, काउंट को 7वां काउंट। सीना जल्दी जल्दी सीना मैच में जल्दी से आना भाई, 8 तक काउंट हो चुके हैं सीना, ऐसी बेवकूफ़ी मत करो सीना यार। बहुत अच्छा भाई कोडी ने काम अच्छा किया भाई, कोडी रोड्स अगर रिंग के नीचे नहीं जाते ना तो मुझे लगता नहीं कि सीना का रिंग के अंदर आने का कोई विचार था करके। ये देखो भाई कोडी रोड्स तो सारे सुपरस्टार को तोड़ रहे हैं भाई। वैसे कोडी रोड्स काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, जब से साइक्लोमैन उनकी टीम में आए हैं ना उनको पता है कि उनकी टीम को हराना बहुत मुश्किल है, तो कोडी रोड्स काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं भाई। लेकिन भाई ओवर कॉन्फिडेंट होना बनता भी है यार, साइक्लोमैन जैसा भारी भरकम सुपरस्टार अगर आपकी टीम में हो तो फिर आपको ये तो पता रहेगा ना हमेशा कि मेरे हारना तो है नहीं मुझे। बहुत अच्छा सीना, जितना हो सके साइक्लोमैन को डैमेज करो, लेकिन कोडी रोड्स के ऊपर भी ध्यान दो। कोडी ये क्या कर रहे हो, स्पाइडरमैन की तरह उल्टी क्यों लटके हो भाई। सीना फिनिशर का, रे 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 बेचारे सीना फिनिशर लगाने के चक्कर में खली सर को। बहुत अच्छा खली सर के पास अभी कोई फिनिशर कोई सिग्नेचर नहीं है यार, लेकिन चलो कम से कम खली सर खेल तो अच्छा रहे हैं। साइक्लोमैन का एलिमिनेशन करेंगे क्या, अरे बाप रे बाप, कोडी रोड्स का एलिमिनेशन क्यों नहीं हुआ भाई, कोई ना कोई सुपरस्टार आके बचाएगा। अरे कोई नहीं आ सकता भाई, कोडी रोड्स का एलिमिनेशन कर दिया। बहुत अच्छा भाई देखो अब खली सर और साइक्लोमैन दोनों के दोनों सुपरस्टार फिनिशर, पहले फिनिशर लगाएगा कौन भाई, खली सर लगाएंगे या फिर कोडी अपने साइक्लोमैन लगाएंगे भाई। देखो खली सर भी साइक्लोमैन को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि अपने इंडियन सुपरस्टार हैं भाई, साइक्लोमैन का एलिमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन नहीं पहला फिनिशर लगा दिया खली सर को। लेकिन ये वाले खली सर बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं, बहुत अच्छा भाई। अभी खली सर के पास एक मूव थीप भी है, फिनिशर भी है भाई, फिनिशर लगा सकते हो खली सर, फिनिशर है आपके पास तो फिनिशर का इस्तेमाल करो खली सर। नहीं सीना को नहीं टैग देना था भाई, सीना को टैग देना यानी कि कुत्ते को अखरोट देने जैसा है भाई, मुंह डाल ही नहीं सकता लगेगा भाई। साइक्लोमैन बहुत मारेगा, बहुत मारेगा सीना को साइक्लोमैन। सीना आपके पास एक सिग्नेचर और एक फिनिशर है भाई, इनमें से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल करके कम से कम साइक्लोमैन को कुछ देर के लिए आप डैमेज जरूर कर सकते हो भाई। अरे रे 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 ये सीना क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं सीना, बेवकूफ़ी कर रहे हैं पता है, क्योंकि सीना के पास सुपर फिनिशर नहीं है भाई। चलो कम से कम सीना कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, वैसे ना फिनिशर है आपके पास तो फिनिशर का इस्तेमाल करो, वरना साइक्लोमैन छोड़ेंगे नहीं। बहुत अच्छा क्या ड्रॉप किक मारी है भाई, बहुत अच्छा वैसे ना ये ना ना मूर्खता नहीं, मूर्खता नहीं सीना, बेवकूफ़ी का परिचय नहीं देना, अभी तुम्हारी टीम को तुम्हारी ज़रूरत है भाई। फिनिशर लगाओ, दो फिनिशर और एक सिग्नेचर है तुम्हारे पास। अगर साइक्लोमैन ने मैकेंटायर को टैग दे दिया ना तो सीना का मैच से एलिमिनेट होना तय हो जाएगा। सीना फिनिशर, फिनिशर का इस्तेमाल करो सीना, फिनिशर है आपके पास। बहुत अच्छा, नॉर्मल तरीके से तो अच्छा खेल रहे हो तुम, लेकिन फिनिशर का अगर इस्तेमाल कर लोगे ना तो ज़्यादा खुशी रहेगी सीना गए मुझे लग रहा है। सीना का एलिमिनेशन, मैंने कहा था ना आपसे कि सीना ज़्यादा देर तक मैच में टिकेंगे ना। बाप रे बाप खली सर को नहीं हिला पाएगा साइक्लोमैन, खली सर के पास एक फिनिशर है भाई, लगा दिया फिनिशर। साइक्लोमैन का एलिमिनेशन, एलिमिनेशन नहीं हुआ यार। अभी साइक्लोमैन के पास रेजिलेंस है भाई, रेजिलेंस है तो किकआउट करेगा, बिना रेजिलेंस के किकआउट कर दिया भाई। मैच तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच चुका, साइक्लोमैन रिवर्स कर दिया यार। खली सर के पास भी फिनिशर आने वाला, सिग्नेचर आने वाला, सॉरी फिनिशर तो नहीं सिग्नेचर आने वाला है खली सर के पास। और अगर ये वाला फिनिशर साइक्लोमैन को कनेक्ट कर दिया तो मुझे लगता नहीं कि साइक्लोमैन अब मैच में बचेंगे करके। लेकिन मैकेंटायर के पास हेल्थ देखो भाई बहुत ज़्यादा है, तो खली सर के अपने सिग्नेचर का इस्तेमाल करके साइक्लोमैन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब जाके ड्रू मैकेंटायर को फिनिशर से एलिमिनेट किया जा सकता है भाई। देखो ट्राइबल चीफ की टीम से खली सर भी अच्छा लड़ रहे हैं भाई, और आज तो सीना भी अच्छा लड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। खुद आज तो ट्राइबल चीफ ही उतना अच्छा नहीं लड़े हैं भाई, मैकेंटायर को टैग दे दिया यार। खली सर के पास सिग्नेचर है भाई, खली सर सिग्नेचर है आपके पास, क्यों फुर्ती नहीं दिखा रहे हैं खली सर, पता नहीं फुर्ती दिखानी चाहिए थी। बाप रे बाप, बेली टू बेली सुप्लेक्स लगा दिया खली सर को। देखो काउंट तो ना ना ना, पिनफॉल तो नहीं होगा इतनी जल्दी, क्योंकि अभी खली सर के पास जान बहुत ज़्यादा बाकी है भाई। खली सर रिवर्स नहीं किया, रिवर्स कर देना चाहिए था इस चीज़ को। अभी मैकेंटायर के पास एक सिग्नेचर है, और फ्यूचर शॉक डीडीटी लगाता है क्या, या फिर क्या लगाता है। अरे अरे ये क्या, मूव थीप भी तो है ना इसके पास, वाइट नॉइज लगा दिया यार। अब मैकेंटायर भाई रनिंग क्लेमोर लगाने के चक्कर में तो है, अगर क्लेमोर लगाए तो ये वाला मैच खत्म समझ लो आप लोग। रिवर्स कर दिया, बहुत अच्छा भाई। अब खली सर के पास फिनिशर है, सुपर किक लगा दी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, लेकिन बचा लेगा साइक्लोमैन, बचा लेगा। अच्छा रेजिलेंस है ना मैकेंटायर के पास, मैकेंटायर ने रेजिलेंस का इस्तेमाल किया क्या अभी, या फिर नहीं किया। खली सर के पास सिग्नेचर है, फिनिशर, सिग्नेचर है खली सर आपके पास।
अरे यार सिग्नेचर का इस्तेमाल करना चाहिए था ना, सिग्नेचर है आपके पास। देखो मैकेंटायर के पास अभी फिनिशर सिग्नेचर नहीं है, तो यही मौका खाली सर के पास है कि कम से कम मैकेंटायर को मैच से एलिमिनेट किया जा सकता है। उसके बाद साइक्लोमैन को तो फिनिशर से भी एलिमिनेट किया जा सकता है ना। खाली सर फिनिशर है आपके पास, सिग्नेचर है खाली सर आपके पास। मौका मत दो साइक्लोमैन को, मौका नहीं देना है भाई। नहीं, हाँ ड्रू मैकेंटायर को साइक्लोमैन को टैग देने का मौका नहीं देना है खाली सर। अरे यार साइक्लोमैन को टैग दे दिया, साइक्लोमैन के पास सिग्नेचर है। सिग्नेचर लगाया क्या साइक्लोमैन ने? अच्छा साइक्लोमैन के पास रनिंग स्पेयर भी है भाई। खाली सर को बचना पड़ेगा, खाली सर को किसी भी तरीके से साइक्लोमैन के फिनिशन को रिवर्स करना पड़ेगा। बहुत अच्छा भाई सिग्नेचर है खाली सर, छीन लिया यार खाली सर का सिग्नेचर छीन लिया। अब खाली सर को एलिमिनेट होने से मैच से कोई भी नहीं बचा सकता भाई। बाप रे बाप, खाली सर को तो उठा के फेंक दिया भाई। क्या टक्कर मारी है साइक्लोमैन ने। रेजिलेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, खाली सर रेजिलेंस गई खाली सर की। अब तो साइक्लोमैन के पास बिल्कुल बहुत अच्छा मौका है भाई। खाली सर को तो किसी भी तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है। मैकेंटायर के पास भी फिनिशर नहीं है, खाली सर के पास भी फिनिशर नहीं है, और साइक्लोमैन के पास भी अभी कोई फिनिशर नहीं है भाई। लेकिन साइक्लोमैन जिस हिसाब से खेल रहा है ना, मुझे लगता है कि साइक्लोमैन अपने पास बहुत जल्दी फिनिशर लाने वाले हैं भाई। खाली सर रिवर्स किया या फिर नहीं, ऐसे भी तो पिनफॉल कर सकते हैं खाली सर के ऊपर यार। क्लोज लाइन बाप रे बाप, खाली सर को तो पूरा 360 डिग्री घुमा दिया भाई। ड्रू मैकेंटायर के पास फिनिशर वगैरह नहीं है यार, तो मैकेंटायर को भी थोड़ी देर खाली सर के पास टाइम पास करना पड़ेगा अब। अच्छा मैकेंटायर कहाँ जा रहा है भाई, ये क्या कर रहा है मैकेंटायर, इसको क्या हो रहा है मैकेंटायर को? यार देखो मेरी टीम से अगर ट्राइबल चीफ अभी तक मैच से एलिमिनेट नहीं हुए होते ना, तो मुझे लगता है कि मेरी टीम के जीतने के चांसेस बढ़ जाते भाई। और देखो दोस्तों, अब आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा ना, अब आप लोग सुपरस्टार्स को ना परमानेंटली एलिमिनेट करना शुरू करो, ठीक है? आज अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि कोई सुपरस्टार मेरी टीम से अच्छा नहीं खेला, तो उसको परमानेंटली एलिमिनेट करो, ठीक है? और क्या बोलते हैं, कोडी रोड्स की टीम से भी आप लोग ऐसा कर सकते हो भाई। अब देखो किसी भी सुपरस्टार को दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो अब मर्द का बच्चा सीरीज को खत्म करने का टाइम आ चुका है, ठीक है? अब जिस भी सुपरस्टार का एलिमिनेशन होगा वो एकदम परमानेंट होगा भाई। तो दोनों ही टीमों में से आप जिस सुपरस्टार को एलिमिनेट करना चाहते हो ना, तो आप लोग फटाफट से कमेंट कर देना, ठीक है? क्योंकि अब और एलिमिनेट परमानेंट होगा, आप किसी भी सुपरस्टार का एलिमिनेशन ऐसे काउंट करके नहीं होगा भाई। जिस सुपरस्टार को सबसे ज्यादा वोट, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस भी सुपरस्टार का एलिमिनेशन आप लोग चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि अब मर्द का बच्चा सीरीज को खत्म करने का टाइम आ चुका है भाई। और आप लोगों को मैं बता दूं कि एकांश भाई की टीम में अभी 7 सुपरस्टार बचे हुए हैं और मेरी टीम में 5 सुपरस्टार बचे हुए हैं भाई। यानी कि अभी 2 सुपरस्टार ऐसे हैं जो मुझे चाहिए होंगे। लेकिन चलो भाई, आप लोग परमानेंटली एलिमिनेट करोगे ना, तो 2 सुपरस्टार कोई मैं ऐसे ही ले आऊंगा, क्योंकि अभी एकांश भाई की टीम से 7 सुपरस्टार बचे हैं ना, तो 7 सुपरस्टार तो मुझे करने ही पड़ेंगे। तो अब सुपरस्टार का जो एलिमिनेशन होगा परमानेंटली होगा, ठीक है? एक बार जिस सुपरस्टार का एलिमिनेशन आज वाली वीडियो से हो गया ना, फिर वो दोबारा मैच में नहीं आएगा भाई। तो आप लोग इस बात को ध्यान से सुन लो। मुझे लगता है कि खाली सर अपना फिनिशर लगा रहे हैं, फिर वो भी रिवर्स कर दिया ड्रू मैकेंटायर ने, पावर बॉम्ब। अच्छा खाली सर के पास एक फिनिशर और एक सिग्नेचर है भाई। यहाँ से भी मुझे लगता है कि खाली सर ना दोनों सुपरस्टार का एलिमिनेशन एक साथ कर सकते हैं, बट ड्रू मैकेंटायर को सिग्नेचर लगाना पड़ेगा भाई। अरे खाली सर सिग्नेचर का इस्तेमाल करो ना भाई, ये क्या कर रहे हैं मैकेंट। खाली सर ने सिग्नेचर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं खाली सर सिग्नेचर का इस्तेमाल इस चक्कर में। अरे लगा दिया भाई, सिग्नेचर लगा दिया क्या? अरे अरे बाप रे बाप, मुंडी पकड़ दी थी खाली सर ने, लेकिन नहीं 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 खाली सर फिनिशर है आपके पास, फिनिशर है भाई। अब देखो किसी भी सुपरस्टार ने अगर खाली सर को एक फिनिशर भी लगा दिया ना, तो मैच से नॉकआउट होने से उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता भाई। खाली सर फिनिशर सिग्नेचर दोनों में से कुछ तो लगा दो यार भाई, कुछ तो लगा ही सकते हो ना आप। सिग्नेचर भी देके रखा है आपको, फिनिशर भी देके रखा है भाई, उसके बावजूद भी मैच को लंबा खींचने में पड़े हुए हैं खाली सर। भाई खाली सर के पास सिग्नेचर, अरे अरे ये क्या, बाप रे बाप, खाली सर तो मुंडी दबोच रहे हैं ना बुरी तरीके से। अब मुझे लगता है कि फिनिशर सिग्नेचर में कुछ लगने वाला है। अरे खाली सर फिनिशर सिग्नेचर लगाना भूल गए हैं क्या, कि उनको फिनिशर सिग्नेचर कैसे लगाना है करके। अरे 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 खाली सर ने गलती कर दी भाई, अरे सिग्नेचर लगा दो भाई, अब कम से कम काउंट ही कर दो, फिनिशर सिग्नेचर ही लगा दो यार। अच्छा सिग्नेचर लगा दिया, मैकेंटायर गया मुझे लगता है। साइक्लोमैन आ रही, साइक्लोमैन बचा लेगा यार, साइक्लोमैन ने बचा लिया। अगर साइक्लोमैन नहीं बचाता ना, तो मैकेंटायर का एलिमिनेशन होना तय था भाई। मैकेंटायर रिंग के नीचे मत जाना यार, क्या कर रहा मैकेंटायर।
ड्रू मैकेंटर ने खामो का मैच को लंबा कर दिया भाई। मैकेंटर रिंग के अंदर और रिंग के अंदर तो काउंट आउट से हेलमेट हो जाओ भाई। साइक्लोमैन से नहीं उलझना यार, थली सर क्या बेवकूफी कर रहे हैं। जा भाई साइक्लोमैन, तू ही नीचे चला जा। ये मैकेंटर येड़ा है क्या भाई, वैसे ही मैच में इतनी देरी हो रही, ऊपर से मैकेंटर ये क्या कर रहा, बेवकूफी मत कर। खलीसर फिनिशर लगा दो इसको, बाहर ही फिनिशर। मैकेंटर एलिमिनेट कर दिया। लो भाई खलीसर ने बेवकूफी की और मैकेंटर ने एलिमिनेट कर दिया भाई खलीसर को। तो देखो भाई यहाँ से एकांश भाई की टीम अपने 12 मैच जीत चुकी है और मेरी टीम 9 मैच जीत चुकी है, ठीक है। यानी कि कॉम्पिटिशन अब थोड़ा सा मैं हारते हुए दिख रहा हूँ, लेकिन अभी भी 2-4 मैचेस बचे हैं भाई, ठीक है। तो चलो फिर दोस्तों, हमारा जो आज का मैच है वो यहीं तक। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना भाई। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से इस सीरीज के नेक्स्ट मैच में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, हंसते खेलते रहो, फिट रहो, हिट रहो। टाटा बाय बाय।